के दो एफिडेविट बनवाने थे, वो मैंने बनवाए हैं। ये गाड़ी की जमानत तो हो गई है और मेरी खुद की भी तारीख है एक अलग केस में, तो एक्साइटमेंट है मेरे लिए, तो यार मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, कल मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था, कल थी 29 तारीख। कल मेरा पूरा दिन भर जो है कोर्ट में निकल गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 29 तारीख को मेरी गाड़ी छूटनी है, 29 तारीख को मेरी गाड़ी नहीं छूटी, छूट जाती तो बाद में पता लगा कि गाड़ी पे जो है एक नहीं दो मामले हैं। तो एक जमानत तो कल हो चुकी थी, एक जमानत और होनी है क्योंकि गाड़ी पे दो मामले डाले हैं। तो 30 तारीख है आज, आज मैं जो है अभी जा रहा हूँ, दूसरी जमानत आज होनी है तो मैं अभी जा रहा हूँ कोर्ट और मेरी खुद की भी तारीख है एक अलग केस में, तो वहीं पहुँच कर जो है देते हैं आपको अपडेट। और फिलहाल जो है नहाया धोया तो है नहीं तुम्हारे भाई ने, तो आके नहाएगा धोगा क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट का काम कोर्ट की टाइमिंग पे होता है। फिलहाल जो है मैं अपना शुरुआत में झोली भात कर रहा हूँ, खा रहा हूँ और कर रहा हूँ अपने दिन की शुरुआत। तो दोस्तों किच्छा जाके देते हैं आपको अपडेट। और अपना साथ वाला जूनियर भी जो है जब तक फोटोकॉपी वगैरह कराने गया है क्योंकि इसमें जमानती वगैरह लगने हैं, इसलिए ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपने जो है घर से निकल चुके हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह आप लोगों ने सारे जो है कलेक्ट कर लिए हैं। अपनों को जो है जमानती वगैरह भी चाहिए था, उसमें जो है दो चाहिए, दोनों अलग अलग लगेंगे, तो एक भाई आ रहा है, एक मेरी माता जी हैं, तो पकड़ो। तो उनकी जरूरत पड़ेगी शाम को 3:30-4 बजे करीब, जब हाथ खड़े होंगे जमानती के। फिलहाल जो है एक जमानत रहेगी, एक कल हो गई थी, आज अपनों को ऊपर वाले ने चाहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आज अपने हैंड ओवर गाड़ी हो जाएगी। अपने निकल गए हैं अंदर ही अंदर से किच्छा की और। अरे ये जाम कैसा लग रहा है, दोस्तों किच्छा मंडी में है जो है कृषि उत्पादन मंडी समिति किच्छा में है अपना किच्छा का कोर्ट, जो कि मेरे ख्याल से अभी साल ही हो रहा है जो स्टार्ट हो रहा है। उससे गया मैं, एफिडेविट चाहिए थे क्योंकि दो मुकदमे डाले तो दोनों जमानतियों के और कार ऑनर के एफिडेविट बनने हैं, तो 70-70 रुपए वाले दो एफिडेविट बनवाने थे, वो मैंने बनवाए हैं। अब जो है शायद ऊपर वाला चाहेगा तो आज तुम्हारे गाड़ी तुम्हारे भाई की आज अपने हाथ में आ जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था गाड़ी की जमानत वगैरह होनी है, गाड़ी की जमानत तो हो गई है, दो मुकदमे थे, दोनों की जो है जमानत हो गई है और जमानती जो है लगते हैं 4, 4:30, 3 बजे, 4 बजे, थोड़ा सा जज साहब के मूड के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब टाइमिंग जो है 3:30 के बाद की ही है। तो अपने जो है अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, तो अभी यहाँ खड़े होना जो है बेवकूफ़ी है, तो अपन जा रहे हैं घर को, अपना भाई भी आ रखा है, दो जमानती दोनों अलग अलग लग रहे हैं, एक में माता जी लग रही है, एक में दोस्त लग रहा है, भाई अपना भाई आया था खटीमा से तो वो पीछे जा रहा, तो मैंने बोला घर ही चल रहे हैं, फिर वो पीछे आ रहे गाड़ी में, तो अपन जो है आगे चल रहे हैं, घर पहुँच के जो है बताता हूँ आपको जैसा जो होता है। फिलहाल फिर मिला के खुशी इस बात की कि गाड़ी आज अपने हैंड ओवर हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था अपना जस्सू भाई आया हुआ है काम के लिए, जो आपको मैंने बताया था काम होना है और जो है थोड़ी देर में अपनी गाड़ी छूट जाएगी, मतलब 1-8 घंटा लग जाएगा अभी। ये भी भाई अपना आया हुआ है, इनको जो है नीचे कम ठंड ऊपर ज्यादा ठंड लग रही है, इसलिए उन्होंने पगड़ी के ऊपर एक और पगड़ी बांधी है। क्यों बांधी है? फैशन गलत बात है यार, पगड़ी से बढ़ के ऊपर और कौन सा फैशन होगा, पग है तो अपनी इससे थोड़ी बढ़िया लगती है। अच्छा बढ़िया लगती है आप, चलो अपनी अपनी वो है। तो दोस्तों टाइम अभी हो रहा है तुम्हारा 2:15 हो रहे हैं, टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा, आधा पौना घंटा अपने अभी और फ्री हैं, उसके बाद अपने लेंगे मौज, जैसा भी होता है हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया था मेरी गाड़ी छूटनी थी, गाड़ी मेरी छूट गई है, गाड़ी छूटते हुए मैं आपको दिखाता, लेकिन क्या कहते हैं गाड़ी जो है भाई के हैंड ओवर हुई है और मैंने जो है अपना जो मेरा पैतृक गांव है मैंने आना था वहाँ, मम्मी पापा और फैमिली को लेके आना था, तो फैमिली को लेके तो मैं आया क्या हूँ, मम्मी पापा को मैं छोड़ने आया था फिलहाल, तो मैंने उनको छोड़ दिया है, कोर्ट से सीधा घर आया, घर से मैंने मम्मी पापा को उठाया, मैंने इधर ड्रॉप कर दिया है। फिलहाल टाइम हो रहा है तुम्हारा 9:40 और मैं इस टाइम अपने गाँव से निकल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ सीधा रुद्रपुर।
तो आप देख सकते हैं, आपको लग रहा हूँ मैं बीच में लोकेशन डालूंगा, रात का अंधेरे का टाइम है, मैं जल्दीबाजी में आया, मैंने कोई ब्लॉग व्लॉग शूट नहीं किया और गाड़ी मेरी छूट गई है। और गाड़ी जो है मेरे हैंड ओवर होती फिलहाल जो है बाबे की गाड़ी मेरे पास थी कई दिनों से, आपको पता ही है, तो मेरी गाड़ी जो है अपने बाबे ने ले ली है, उसके पास है मेरी गाड़ी। अब वो मतलब कुल मिला के गाड़ी अपनी दोनों अपने पास है, अमेज भी और स्कॉर्पियो भी, अपनी राजा ये है और रानी अपनी आ गई है। तो दोस्तों अपने जो है दोराट को जा रहा है ये रास्ता, लेकिन अपने उन्हें नहीं जाना, अपने उन्हें रानी खेत के लिए कटना, अपने कटेंगे इधर को। तो दोस्तों भाई ने अभी जो है बहुत ही सुनहरा मौका छोड़ दिया है, मैं तो देख नहीं पाया था, क्या देखा था बता? शेर, तेंदुआ। तेंदुआ था? कितने थे? दो। कितने बड़े थे छोटे थे? बड़े थे। बड़े थे ऐसी भाई, ऐसा है ना भाई, यहाँ ये सब चीजें नॉर्मल है। हाँ ये तो है, हो सकता है ये और भी मिले रास्ते में। नैनीताल 45 हल्द्वानी 72 दिखा रहा ना ऊपर। तो दोस्तों 72 किलोमीटर है, मतलब ड्राइव करते हुए आधा पौना घंटा हो गया है मुझे। तो दोस्तों अपन पहुंच गए भवाली, भवाली अपनों ने जो है लगभग पार कर दिया है, और मतलब मेन भवाली अपनों ने पार कर दिया है। तो दोस्तों ये रोड जा रहा है मुक्तेश्वर की तरफ को। आज मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ एडवांस, पता नहीं कितना, इधर को दिखाई वाला रोड, ये वाला रोड ना कुछ सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है ये, इधर दिखा ये बोर्ड ले, यहाँ ना कुछ सरप्राइज है, मैं मतलब फ्यूचर में। तो दोस्तों अपने पहुंच गए हैं भीमताल, भीमताल की शुरुआत होती है यहाँ से ट्री पॉइंट से, और ये है भीमताल की मार्केट जो कि हम इसके अंदर एंटर कर चुके हैं, वाटर द वाटर गेट। नीचे का व्यू इतना जबरदस्त लग रहा है ना, ज़ूम कर, वाओ यार मैं क्या ही बताऊं, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, क्या कहने। क्या हो गया भैया, क्या हो गया? ब्रेक कम आ रहा है, ब्रेक, ब्रेक कम आ रहा है, मैं सोच तेल भी खत्म हो गया। चलो इनके ब्रेक शू खत्म हो गए, मेरे को लगा ऑयल वॉयल खत्म होगा, तो अपन देख यार यहाँ से कैप्चर कर दे, कितना अच्छा लग रहा है इसको। तो दोस्तों मैंने फोटो भी लेने की कोशिश करी, बहुत चीज लेने की कोशिश करी, लेकिन ना जो उसमें जो क्लियर नहीं आ रहा है, क्योंकि रात का टाइम है, और बाय गॉड इतना अच्छा लगता है ना, क्या ही बताऊं आपको मैं। क्या ये नहीं, क्या है गाय नहीं थी, कुछ और था ये, कुछ अब मेरे ख्याल से काकड़ वाकड़ तो नहीं कहते इसे, वो तो नहीं है ना, वीडियो डालेंगे तो कई लोग देखेंगे, वो बताई देंगे, बताई देंगे कमेंट में, कमेंट में बताई देंगे, जिन भाइयों को नॉलेज होगी। हिरण का ही तहेरा खलेरा भाई खलेरा था, खलेरा है, खलेरा था, हाँ तहेरा खलेरा या मसेरा है उसी का रिलेटिव ही है। तो दोस्तों अपने जो है काठगोदाम पहुंच चुके हैं, टाइम हो रहा है 12:13, ठीक है, फिर खाने, खाना भी मुझे पता कहाँ मिलेगा, 24 घंटे ढाबा खुलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अपनों ने जो है दूध और पराठे पहले, पंजाबी तड़का अपना हल्द्वानी, अपने भैया का रेस्टोरेंट है, जानने वाले अपने भैया है, भूख भी बड़ी देर लग रही थी, मजा आया बिल्कुल, ऊपर से अमूल का बटर, अब आप बोलो को बटरिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत टेस्टी है, मतलब मेरे साथ अगर मैं रात को यहाँ से 10 बार निकला हूँ तो मुझे 8 बार हाथी या मतलब कोई ना कोई जानवर पक्का दिखा है।
दोस्तों अपन जो है पहुंच चुके हैं रुद्रपुर शिटकुल, हल्द्वानी अपनों ने पार कर दिया, रुद्रपुर में अपने एंटर कर गए हैं। जो है चल रहा है शिटकुल फैक्ट्री है बगल में, और ये जो है टाइम टू पावर है मेरे ख्याल से हाँ 1:30 बजे। अपने जो है हल्द्वानी वाले चौराहे पे पहुंच चुके हैं रोडवेज चौक, और अपने यहाँ से लेंगे लेफ्ट, अपनों ने लिया लेफ्ट और ये अपने बढ़ गए अपने घर की ओर, और राइट में जो है रोडवेज है, ये आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त बनेगा। तो दोस्तों फाइनली अपने पहुंच गए हैं लालपुर, लेकिन यहाँ एक रोजगार के लिए कंपनी है बहुत जबरदस्त, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करती है, वैसे वो क्या कहते हैं काफी फैक्ट्रियां हैं लालपुर में। तो दोस्तों अपन पहुंच गए घर। अरे यार सिम्बा भौंका ही नहीं, शांत गुस्सा हो गया होगा, कमाल हो गया यार सिम्बा नहीं भौंका आज, गुस्सा हो गया सिम्बा आवाज नहीं आ रही उसके बाद। यार कमाल हो गया ये डॉग नहीं भौंका आज, भौंका ही नहीं, क्या हो गया इसे, गुस्सा आया यार, जा उतर के देख जरा गाड़ी पीछे, मतलब भौंका तू मेरे को देख के आज। अरे इन्हें तो पानी गिरा दिया सारा, ये ना चूतिया आज भौंका नहीं, और ऊपर से सारा पानी गिर रहा है इसको, थैंक यू, पानी ना पानी रखा ही गलत है, इधर रखना चाहिए, इसने सब सब्जी उड़ा दी यार, थैंक यू, मुंह भी काला कर रहा है सामने, जा शकल दियो सीधे शकल दे, वो लगा ना चैंस पॉकेट लगाओगा। तो दोस्तों मैं आ गया था घर, जैसा आपको पता है डॉग ने घर में एंटर करते ही पानी गिरा दिया था, छोटे वाले ने बड़े वाले का, मतलब कि वो पानी पीने वाला रखा था, वो एक्साइटमेंट ज़्यादा हो, उसे एक्साइटेड हो गया था, पैर उठा के उसने रखा, उसके बर्तन के ऊपर बड़ी छोटी वाली बाल्टी है डॉग के लिए, सैंकी के लिए पानी पीने के लिए, उसके ऊपर उसने पैर रखा और गिरा दिया, तो उसको सफाई वफाई करने में लग गया था मैं। बस यही कहना आया था दोस्तों कि अपना जो है आज का व्लॉग मैं अपना एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तो गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद जय भारत।